कामेश मिठटा रबिर मनि सिखा पधिं स्मादियामि कामेश मिठटा रबिर मनि सिखा पधिं। धम्मपद गाथा नंबर 57। एक बार वैशाली के राजा के पुत्र हुआ। दो कथाएं यहां पर हैं। यहां जो हम कथा ले रहे हैं वो तिब्बत से है। उस पुत्र होने की खुशी में राजा ने बहुत बड़ी एक दावत की, ग्रांड एकदम, क्योंकि राजा का पैसा तो लगना नहीं, सारा पैसा तो प्रजा का लगना है, क्योंकि टैक्स तो प्रजा भरती है, तो कितना ही बड़ा फंक्शन कर लो कोई समस्या तो है नहीं। तो उसने बहुत बड़े बड़े तोरण द्वार यानी स्वागत द्वार बनवाए, बड़े रंग बिरंगे कपड़े उस पर सजवाए, झंडे सजवाए, जो उस समय अवेलेबल था। सारी प्रजा को आदेश हुआ कि सब रंग बिरंगे कपड़ों में आएंगे। जितने भी कलाकार थे सभी कलाकारों को आदेश हुआ कि सभी कलाकार वहां आके अपनी कलाकारी करेंगे, गायन, रंग, मंचन, सभी तरह से। जितने भी मतों के लोग थे, साधु संत थे, सबको खाने पे आमंत्रित किया गया, भिक्खु संघ को भी आमंत्रित किया गया। तो वहां जो भिक्खु एक हैं वो वहां गए। वहां जाने के बाद में उन्होंने भोजन किया। राजा ने चूंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, इसलिए राजा को अपनी प्रशंसा की दरकार थी कि लोग उसकी वाहवाही करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि कतारों में हजारों औरतें, नारियां, नर फूल लेके सब पे बारिश कर रहे थे और सब बहुत उल्लासपूर्वक थे और कार्यक्रम बहुत शानदार और बहुत बढ़िया था। तो बारी बारी से लोग जो आ रहे थे राजा से मिलकर जा रहे थे, उन्होंने बहुत उसकी तारीफ की। मगर भिक्खु का जब नंबर आया तो भिक्खु से कहा कि आपको कैसा लगा। भिक्खु ने कहा मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। ये बात राजा को चुभ गई। राजा को लगा कि उसका अपमान हो गया, इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना फंक्शन, हर आदमी इतनी तारीफ कर रहा है और ये भिक्खु देखो डेढ़ कपड़े में ही आया हुआ है और ये मेरी तारीफ भी नहीं कर रहा है। राजा ने भिक्खु को दंड देने की ठानी और दंड का आदेश कर दिया। तब भिक्खु ने कहा कि ठीक है, आपका दंड मुझे स्वीकार है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप राजा हैं, मगर मैं चाहूंगा कि आपके यहां जो मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति है, उस मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को लाया जाए। कैसे लाया जाए? उसके हाथों में तिल भर दिए जाए, जो तिल खाने के होते हैं, बीज होते हैं, सफेद वाले, छोटे और काले वाले, वो भर दिए जाए और उसको ये कहा जाए कि अगर तुम राजमहल तक इन तिलों को लेके आ गए हाथ में और एक भी तिल अगर आपका जमीन पे नहीं गिरा तो आपको मृत्यु दंड से फ्री कर दिया जाएगा, आपका मृत्यु दंड समाप्त कर दिया जाएगा। तो राजा ने कहा ठीक है, ये शर्त मानी और जिसको मृत्यु दंड प्राप्त था ऐसे कैदी के हाथ में बहुत सारे तिल भर दिए और उसको कहा कि अगर राजमहल तक तू चला गया इन तिलों को लेकर और एक भी तिल नहीं गिरा जमीन पर तो तेरा मृत्यु दंड माफ कर दिया जाएगा, तू फिर जी सकता है। और यह भी शर्त रखी भिक्खु ने कि जैसे तोरण द्वार आपने और जैसी स्त्रियां फूल बरसा रही थी वैसा ही कार्यक्रम उसके लिए भी होगा, वैसे ही सारे तोरण द्वार, ढोल, मजीरे, तासे, जितने भी नाच गाने कूदते थे वो सब वहां हुए और वो जो कैदी था तिल लेके राजमहल पहुंच गया। राजमहल पहुंचने के बाद में भिक्खु ने कहा कि राजा जो प्रश्न आपने मुझसे किया था आप इससे वही प्रश्न करें। राजा ने वो प्रश्न किया कि आपको जो तोरण द्वार हैं, स्वागत द्वार हैं, वो सब कैसे लगे। तो उसने कहा मुझे तो कुछ दिखाई दिया ही नहीं। तो राजा चूंकि बुद्धिमान था उसे तुरंत समझ में आ गया कि गलती उसकी है और इस गलती से वो बड़ा लज्जित हुआ। उसने भिक्खु से माफी मांगी, क्षमा मांगी, उनको आदर के साथ भिजवाया और धम्म का भी पहला जो ज्ञान था वो उसने वहां सीखा। इस बात की चर्चा जब वेणु वन के अंदर भगवान बुद्ध के समक्ष भिक्खुओं में हुई तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही। ते संग संपन्न शीलानंग अपमाद विहारिनंग समद्दया विमुत्तानंग मारो मग्गं ने विंदति। तेसंग संपन्न शीलानंग, तेसंग संपन्न शीलानंग का मतलब है वे जो सील से संपन्न है, जिनमें सारे सील युक्त हैं, जो सीलों पे व्यवहार करते हैं, जो सीलों पे चलते हैं, जो सीलों को मानते हैं, उसकी प्रैक्टिस और अभ्यास करते हैं। अपमाद विहारिनंग, अपमाद
अप्रमाद के साथ विहार करते हैं, रहते हैं, यानी कि उन्हें कोई भी प्रमाद की वस्तु छू नहीं सकती, वो बिना प्रमाद के, बिना किसी मौज मस्ती के रहते हैं, जीवन को बिताते हैं। समदैया विमुक्तानंद, समदैया का मतलब है जो सही है, और दैया माने ज्ञान है, यानी जो उनको दिया गया सम्यक ज्ञान है, सही ज्ञान है, अच्छी तरह से समझते हुए जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो भगवान बुद्ध ने उनको दिया है, जो धम्म उनको सिखाया है, उसको विमुक्तानंग, उसको लेकर वे विमुक्त हो जाते हैं दुखों से, राग से, द्वेष से। मारो मग्गं ने विंदति, मारो मग्गं यानी मार उनके मार को नहीं अनुभव कर सकता, यानी मार जो होता है वो सारे सारे दुख होते हैं, 10 प्रकार के मार होते हैं जो मैंने एक वीडियो में बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूं, आप चाहे बुद्ध का कोई वीडियो देखें या ना देखें, मार का वीडियो जरूर देख लें। तो मार उस रास्ते का अनुभव नहीं कर सकता जो एक अच्छी तरह से पढ़ा लिखा व्यक्ति, यानी जो भगवान बुद्ध का पढ़ाया हुआ व्यक्ति है, जो विहार करता है अप्रमत्त होके, और जो सारे सीलों से संपन्न है, मार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति सज्जन हो जाता है और सील से, सदाचार से युक्त हो जाता है, और अपने सील सदाचार को, मॉरलिटी को, अच्छे वातावरण को, अच्छे काम को, अच्छे गुणों को बढ़ाता है, उस समय जो बुरे गुण हैं उसके, जो बुरी बातें हैं या जो समाज में बुरी बातें हैं, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उनका उसे ध्यान भी नहीं आता। जैसे जब कोई बच्चा अपने स्कूल में एग्जाम देने जाता है, अपनी परीक्षा देने जाता है, पेपर पास करने जाता है, तो उस समय उसका ध्यान कहीं नहीं लगता, वो अपनी टेबल पे बैठता है और 3 घंटे तक लगातार 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 लिखता रहता है, एक क्षण के लिए भी उसका ध्यान इधर से उधर नहीं जाता, फिर कौन आया, कौन गया, कहाँ बैठा है, कहाँ गया, उसे पता नहीं है। और अगर उसको पेपर नहीं आता है, उसका ध्यान उसमें नहीं है, वो पढ़ा हुआ नहीं है, अच्छी तरह से जानकार नहीं है, तो वो 3 घंटे बैठा बैठा औरों को ही देखता रहेगा, क्या बच्चे कर रहे हैं, कहीं कोई चीटिंग हो जाए, मास्टर ने क्या कहा, कभी पानी पीने जाएगा, कभी बाथरूम करने जाएगा, कभी उठेगा, कभी बैठेगा, कभी पेन खराब, वो अपना 3 घंटे ऐसे ही पास करता है। इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने ये बात कही। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं, हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Good job.
पृच्छामि तत्यं विभुतं शरणं गच्छामि तत्यं विधम्मं शरणं गच्छामि तत्यं विधम्मं शरणं गच्छामि तत्यं विसंगं शरणं गच्छामि।